नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, घर ढलाई के समय इस्तेमाल होने वाले हिडन बीम के बारे में हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एक बीम से दूसरे बीम की दूरी अगर ज्ञात करते हैं, मान लीजिए इधर 12 फीट है और इस बीम से उस बीम की दूरी दोस्तों 10 फीट है, तो आप ध्यान रखेंगे 10 फीट जो मतलब कि एक बीम से दूसरे बीम की दूरी जिधर कम आएगा दोस्तों, उधर ही दोस्तों हम लोगों को हिडन बीम प्रोवाइड करवाना है। अब तो आप समझ गए कि हिडन बीम किस तरह प्रोवाइड करवाते हैं। अब जान लेते हैं हिडन बीम क्या होता है। जिस तरह से नाम है, हिडन मतलब छिपा हुआ, बीम मतलब आप जानते हैं बीम है, तो इस तरह से ये बीम दोस्तों आपको ना तो स्लैब के ऊपर और ना ही स्लैब के नीचे कहीं से भी आपको नहीं दिखेगा, ये स्लैब के अंदर ही रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो छत है इसको हम लोग 5 इंच मोटा ढालने वाले हैं। तो हिडन बीम में जो बीम की साइज होगी, जो रिंग की साइज होगी वो क्या होगी, ये भी मैं आपको बताने वाला। ये देखिए नॉर्मल बीम है जो आपको नीचे से दिखेगा, लटक बीम बोलते हैं उसको, नीचे से लटका हुआ दिखेगा, लेकिन हिडन बीम में ये ना तो आपको स्लैब के नीचे से दिखेगा और ना ही स्लैब के ऊपर से दिखेगा, ये स्लैब के बीच में ही कास्टिंग इसकी होती है। और इसकी रिइंफोर्समेंट की थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो। और ये उस जगह पर दिया जाता है, मान लीजिए कि आपको नीचे हॉल बनाना है, ठीक है, हॉल में जो बीम लटका हुआ है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हिडन बीम दिया जाता है ताकि आपका काम भी हो जाए, जो आपका स्लैब है उसकी स्ट्रेंथ भी मिल जाए और साथ ही साथ वो देखने में भी अच्छा लगे, नीचे से लटका हुआ बीम आपको नहीं दिखेगा। रेनफोर्समेंट डिटेल की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों इसको लगभग लगभग 5.5 इंच रखा गया है। ये डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से है या फिर कितना लंबा दूरी पे हम जो है वो इसको दे रहे हैं। इसकी मोटाई की बात कर ले, ऊंचाई की बात कर ले, तो ये 3 इंची रखा गया है। जाहिर सी बात है 20 mm आपको स्लैब के नीचे, लगभग लगभग 1 इंच स्लैब के नीचे। स्लैब के नीचे कहने का मतलब है कि आपको जो है वो रेनफोर्समेंट के नीचे कवर ब्लॉक देते हैं 20 mm का, तो 1 इंच उधर से और 1 इंच ऊपर ढलाई होगा, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको ढलाई के बीचों बीच से रखना है। और रिंग की दूरी अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये लगभग लगभग आपको 8 इंच रखनी है एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी। तो मुझे लगता है दोस्तों रेनफोर्समेंट से लेकर के क्या होता है, क्यों देते हैं, कहाँ देते हैं, हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।